सीता कोमल जो तुम्हारा मन है ना, जब भी तुम मुझे संकट में देखती हो रोनी क्यों लगती हो यार? हम लड़ेंगे ना, हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगी ना, हमने राह ही ऐसे चुनी है, हमने वो राह चुनी है ना कि पत्थर भी मारे जाएंगे और गोली भी मारे जाएंगे, पर क्या इसका मतलब ये कि हम तुम पत्रकारिता छोड़ दें? रास्ते जो गधे होते हैं ना वो चुनते हैं ऐसे रास्ते जो शॉर्टकट में हो और जल्दी पहुंच जाए, बोझ हट जाए। हमने तो पूरे भारत का ले रखा है भारत। कोशिश ये है कि मैं अपने सीढ़ी में कुछ ऐसी बदल पाऊँ स्थितियाँ जो वाकई में खूबसूरत अच्छी हो, एक स्वच्छ सीढ़ी हो, उसमें राजनीति इतनी ना हो कि सीढ़ी कभी विकास ही ना कर पाए। लेकिन मेरे ऊपर इतने आरोप जो लग रहे हैं ना, बेहद बुरे आरोप हैं। एक ऐसी लड़की अगर मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि मैंने उसे गाली दिया, अभद्रता किया, अरे मैं तो कितनी मदद करता हूं किसकी, वो सभी को पता है। पर तुम्हें विश्वास है ना मेरे ऊपर? पता नहीं कैसा वक्त है जिस टाइम तुम बहुत अकेली। आई लव यू ना, प्लीज रोना मत यार, जल्द मिलेंगे फिर से, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। और ये जो पागलों जैसे तेरे दिमाग पे एक टेंशन का जो निशान बन जाता है, हटा दे उसको, तू नहीं जानती चैन से किसी को ये दुनिया जीने नहीं देती और ना ही चैन से मरने देती। मैंने इसलिए पत्रकारिता चुना था क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सुसाइड करते देखा है, निशान बन जाता है वो माँ बाप के माथे पर, जो बच्चा युवा होकर के बेरोजगार मारा जाता है और सुसाइड कर लेता है सिर्फ इसलिए कि उसने पढ़ाई तो किया लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। सरकार की ये जो कमियां हैं, हम दिखाने के लिए ही पत्रकार बने हैं। कभी तो नज़र आएगी, कभी तो बदलाव आएगा, और ये जो सुसाइड करने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, वो मरेंगे नहीं। बहुत याद आ रही थी, लग रहा कब मिलेंगे तो उससे।